हेलो एवरीवन। तो कल अपन ने सुपरपोजिशन थ्योरम कर ली और उसका एक न्यूमेरिकल भी कर लिया। ठीक है, बिल्कुल समझ आ गया होगा। किसी को कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझसे पूछ लेना। उसके बाद सेकंड क्या थी? थेवनिन थ्योरम। तो थेवनिन थ्योरम में क्या था? थेवनिन प्रमेय बोल सकते हैं। ठीक है, तो करते हैं थेवनिन। थेवनिन थ्योरम्स या थेवनिन प्रमेय। ठीक है, पहले इसका वही सेम स्टेटमेंट देखते हैं क्या है। स्टेटमेंट अगर समझ में आ गया तो मतलब कंप्लीट ही आ गया, ये समझ लो। ठीक है, देखो डायग्राम समझते हैं इसको। कोई भी सर्किट हो, कोई भी अपन को सर्किट जो दिया गया है उसमें जो रेजिस्टेंस अपन को दिए होंगे या फिर इम्पीडेंस बोल सकते हैं जेड, उन सभी को जो एक उन सभी को हटाकर और जो भी मतलब वोल्टेज सोर्स दिए हों उन सभी को हटाकर उनकी जगह एक इक्विवेलेंट सर्किट बनाते हैं अपन। ठीक है, इक्विवेलेंट सर्किट में जो जेड इम्पीडेंस होगा तो जो भी पैरेलल में होंगे कैसे भी होंगे उनका एक टोटल जेड ई क्यू, मतलब इक्विवेलेंट सर्किट को बोलते हैं जेड ई क्यू, मतलब उनका टोटल रेजिस्टेंस निकालेंगे क्या होता है, तो वो जेड ई क्यू। ठीक है, और जो ई जो टोटल होगा, जो टोटल वोल्टेज होगा या फिर इसको बोलते हैं ईएमएफ, उनका टोटल निकाल के जो सर्किट अपन को मिलेगा, जो उसका इक्विवेलेंट सर्किट जो मिलेगा उसको मतलब सोल्व करना बहुत इजी हो जाएगा। इस वजह से या फिर बोल सकते हैं उसको, रुक जा मैं वीडियो में, उसमें एक वोल्टेज सोर्स होगा ईटीएच, जो भी सर्किट जो इक्विवेलेंट और जो उनको जो वोल्टता होगी तो टोटल अपने पास जो रेजिस्टेंस मिलेगा उसको जेड टीएच बोल देंगे या जेड ईक्यू बोल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है अपन। तो उन सभी को एक सर्किट द्वारा परिबद्ध किया जाता है, जो एक सर्किट बनाया जाता है इन्हें जो बोलते हैं उसको थेवनिन थ्योरम बोलते हैं। देखते हैं एक बार, कोई भी सर्किट हो, इसका सर्किट देख लेते हैं। इसमें एक जेड टी एच होगा, यहाँ ये लोड रेजिस्टेंस लगा होगा जेड आर, और यहाँ एक सोर्स लगा होगा वोल्टेज सोर्स ई टी एच। ठीक है, ये कोई पॉइंट ए है और ये बी है। इस सर कोई भी सर्किट अपन को दिया होगा क्वेश्चन में या फिर अभी अपन प्रूफ करेंगे, इस सर्किट के समान अपन को उस जो सर्किट दिया होगा इस सर्किट के समान लाना है, मतलब उस सर्किट का इस इक्विवेलेंट सर्किट ये होना चाहिए। ठीक है, तो देखते हैं अपन को प्रूफ करते हैं थेवनिन थ्योरम का। अभी समझ में आ जाएगा सारा, प्रूफ करते हैं। एक बार ध्यान रखना कि जो लोड रेजिस्टेंस है जेड आर बोल दो या जेड एल, ठीक है, ये तो हो गई, मतलब उस सर्किट की इक्विवेलेंट सर्किट अपन को निकालना है। यहाँ पर जेड टी एच या लोड ए बी जो पॉइंट के बीच में अपन को वोल्टेज या करंट निकालना है वो, और यहाँ वोल्टेज सोर्स, छोटा सा सर्किट हो जाएगा तो वो कैसे निकालेंगे देखते हैं। जेड आ रहा होगा, ये ए और बी पॉइंट है, इनके बीच लोड रेजिस्टेंस लगा हुआ, ये जेड टू है, ये जेड थ्री है और ये जेड वन है, ये वोल्टेज सोर्स है ई, इसके कारण इसमें आई एस करंट फ्लो हो रही है, इसमें आई आर। ठीक है, तो इसमें कितनी होगी बची, जो इसमें जाएगी आई एस इधर से आ रही है, आई आर इधर गई, तो बची क्या इसमें आई एस माइनस आई आर। ठीक है, तो देखते हैं अब इन दोनों में किरचॉफ के लॉ निकालते हैं एक बार, किरचॉफ के लॉ से देखते हैं। ध्यान रखना ये अगर इसको अगर अपन बोलें तो ये तो एक्टिव लूप हो गई, ये इनएक्टिव लूप, मतलब ये सक्रिय ये निष्क्रिय। निष्क्रिय का मतलब क्या है, इसमें कोई वोल्टेज सोर्स नहीं लगा हो, वोल्टेज सोर्स नहीं लगा हुआ इस वजह से इसको इनएक्टिव सोर्स बोल रहे हैं। इसमें सोर्स लगा, इसमें नहीं लगा हुआ, इस वजह से इसको इनएक्टिव लूप बोल रहे हैं, इसको एक्टिव लूप। ठीक है, तो लगाते हैं दोनों में, इसमें लगाते हैं किरचॉफ का लॉ, ठीक है, सेकेंड लॉ, तो वही अब तो रूबरू हो गए ढंग से इससे आई एस जेड वन। ठीक है, आगे चलेंगे प्लस, इसमें करंट आई एस माइनस आई आर, ठीक है, जेड थ्री इस पूरे लूप में। ठीक है, वोल्टेज क्या लगा,
बराबर क्या ई वोल्टेज सोर्स, ठीक है। इसी प्रकार ये इक्वेशन फर्स्ट है। सेकंड लूप में देख लेते हैं, सेकंड लूप में देखते हैं इसमें करंट आई आर, तो मतलब इसको क्या बोल सकते हैं, इसमें करंट कैसे फ्लो रही है ऐसे, और इसमें कैसे हो रही थी ऐसे, तो इससे पहले निकालेंगे तो आई आर जेड टू, ठीक है, प्लस इसमें भी आई आर करंट आई आर जेड आर, इसमें निकालेंगे तो ये माइनस साइन के साथ आएगा, ठीक है, तो माइनस आई एस माइनस आई आर और जेड थ्री बराबर, कोई वोल्टेज सोर्स नहीं है इसमें तो जीरो, ठीक है। इनको अलग अलग से लिख लेते हैं, मतलब आई आर और आई एस की फॉर्म में लिख लेते हैं, तो आई आर आई एस और आई आर की फॉर्म में लिखेंगे तो यहाँ से आई आर के में जेड टू प्लस जेड आर, इसमें कोई हाँ आई आर है, माइनस माइनस प्लस, तो मतलब जेड थ्री कोमा आई आर, ठीक है। फिर माइनस आई एस की एक ही टर्म है जेड थ्री आई एस बराबर जीरो, इक्वेशन टू, ठीक है। यहाँ से अगर आई एस की वैल्यू निकालें तो क्या आएगी, जेड टू प्लस जेड आर प्लस जेड थ्री, ये इधर जाएगा, ये जेड थ्री आई एस प्लस का हो जाएगा अपॉन, इस जेड थ्री को इधर भेज देंगे जेड थ्री और आई आर, ठीक है, ये अपने पास आई एस आ गई। पहले ना ज़्यादा ईजी अपन को इससे आई एस की वैल्यू निकाल के इसमें रखेंगे तो ज़्यादा ईजी पड़ेगा, ठीक है। तो अपन समीकरण एक से आई एस की वैल्यू निकालते हैं, तो देखते हैं ये थी आई एस जेड वन, इसको ऐसे करके लिखेंगे जेड वन प्लस जेड थ्री, आई एस कॉमन ले रहे हैं इन दोनों में, ठीक है, माइनस आई आर जेड थ्री बराबर जीरो, इससे निकालते हैं अपन आई एस की वैल्यू, तो क्या आ गई जेड थ्री आई आर, इधर ई था ई प्लस जेड थ्री आई आर अपॉन जेड वन प्लस जेड थ्री, ठीक है, ई प्लस है ये आई एस की वैल्यू आ गई। आई एस की वैल्यू यहाँ से इस इक्वेशन में रखते हैं, ठीक है, क्योंकि अगर इससे इसमें रखते तो ज़्यादा लंबा पड़ जाता, इस वजह से इक्वेशन एक से निकालने पड़ने, तो रखते हैं जेड टू प्लस जेड आर प्लस जेड थ्री आई आर माइनस जेड थ्री इंटू, रखते हैं ये वैल्यू आई एस की, ई प्लस जेड थ्री आई आर अपॉन जेड वन प्लस जेड थ्री। तो एक चीज़ देखी तुमने, सारा आई आर की फॉर्म में आ गया, करंट ओनली आई आर है इसमें, आई एस कोई करंट नहीं है, ओनली आई आर की फॉर्म में आ गया, मतलब एक टर्म में आ गया, ठीक है। अब निकालना ज़्यादा ईजी हो जाएगा, देखते हैं, तो इनको भी सोल्व करते हैं। आई आर की टर्म एक तरफ लेते हैं, इधर जीरो है, ठीक है, तो लेते हैं आई आर इसमें भी है, इसमें नहीं है बस, ठीक है, तो इसको इधर ले जाते हैं लेफ्ट साइड, तो जेड टू प्लस जेड आर प्लस जेड थ्री, इसको इधर ले जाएंगे, तो ये वाली चीज माइनस अंदर गुणा होगी, तो माइनस जेड थ्री इंटू जेड थ्री, जेड थ्री का स्क्वायर अपॉन आई आर तो कॉमन ले रहे हैं जेड वन प्लस जेड थ्री, इसको आई आर कॉमन ले लिया, टोटल बची कौन सी टर्म, ये टर्म बची, माइनस किया इधर जाएगी तो ये पूरी, ये ई के नीचे भी होगा ये और इसके नीचे भी होगा, तो जेड थ्री पता नहीं कैसे लिखा है, एक बार देख लो, ई प्लस जेड थ्री प्लस जेड थ्री आई आर अपॉन जेड वन प्लस जेड थ्री है, तो ये इसके नीचे भी होगी और इसके नीचे भी होगी, तो ये आई आर इसमें कॉमन है इसमें नहीं है, तो इसको लेफ्ट साइड ले जा रहे अपन, और जेड थ्री इनके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो जेड थ्री इसके साथ होगा जेड थ्री स्क्वायर, और नीचे वही सेम टर्म, और आई आर कॉमन ले लिया, इसमें भी कॉमन इसमें भी, तो ये टर्म आ गई, और अपने पास बचा क्या था, इधर जाएगा जो ई जेड थ्री अपॉन जेड वन प्लस जेड थ्री, ठीक है, यहाँ तक तो किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी। आगे देखते हैं आई आर, आई आर निकाल लेंगे इससे, ठीक है, इससे आई आर निकालेंगे, तो ये ऊपर ई जेड थ्री अपॉन जेड वन प्लस जेड थ्री, ये इसके नीचे चला जाएगा अपॉन जेड टू प्लस जेड थ्री प्लस जेड आर माइनस जेड थ्री की स्क्वायर
अपॉन जेड वन प्लस जेड थ्री, ये आई आर आ गया। ठीक है, या फिर इसको करते थोड़ा सा सोल्व, इजी बनाते, ई जेड थ्री अपॉन जेड वन प्लस जेड थ्री, जेड टू है जेड थ्री है, ठीक है, तो जेड वन जेड थ्री एलसीएम लेते हैं, और तो क्या करें, जेड टू प्लस जेड थ्री, इस जेड आर को बाहर लिखते हैं। ठीक है, ये सिंगल टर्म है, इसके साथ तो कुछ मल्टीप्लाई नहीं है, अलग से लिख सकते हैं इसको, मतलब यहाँ से हटा के यहाँ लिख सकते हैं, कोई दिक्कत थोड़ी है, नहीं है। इसका एलसीएम ले लिया, इन दोनों को, इस टर्म को तो बाहर कर दिया, इन दोनों का एलसीएम लिया है, तो जेड वन प्लस जेड थ्री माइनस जेड थ्री का स्क्वायर अपॉन वही जेड वन प्लस जेड थ्री, और जो प्लस था जेड आर। ठीक है, तो जेड वन जेड थ्री से कैंसिल, ये कैंसिल हो गया, बचा क्या अपने पास, बची ये टर्म आई आर बराबर ई जेड थ्री अपॉन जेड वन जेड टू, जेड वन प्लस जेड टू जेड थ्री प्लस जेड थ्री जेड वन माइनस जेड थ्री स्क्वायर प्लस माइनस जेड थ्री का स्क्वायर प्लस जेड आर, ये दोनों कैंसिल, तो बचा क्या, आई आर बराबर ई जेड थ्री अपॉन जेड वन जेड टू प्लस जेड टू जेड थ्री प्लस जेड थ्री जेड वन प्लस जेड आर, ये आई आर की वैल्यू आ गई अपने पास। ठीक है, या फिर इसको यहाँ छोड़ सकते हैं, यहाँ आगे सोल्व करेंगे, फिर अपन को तो सेम करना है, जो अपने पास जो इक्विवेलेंट सर्किट जो बनाया है उसकी और इनकी जो किरचॉफ लॉ से कर रहे हैं कि इक्वल आएंगे कि नहीं, जैसे उसमें प्रयोग किया था सुपरपोजिशन थ्योरम में, वैसे इसमें करेंगे, जो इक्विवेलेंट जो सर्किट बनाएंगे उस वो इसमें आएगा कि नहीं। ठीक है, इसके इक्वल आएगा कि नहीं, तो कल करते हैं, यहाँ आईआर की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो ओके, कल करेंगे बाकी।